हे गाइस, तो आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं Redmi Note 10 Pro का जो है कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो। आपको बेसिकली बताएंगे इस फ़ोन में जो है क्या क्या आपको UI में चेंजेस देखने को मिल जाता है, क्या आपको डिफरेंट मिल जाता है और क्या आपको बेसिकली मिल जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग इसको कैमरा पर्सपेक्टिव में जो है कंसिडर करने वाले हो और इसी वजह से जो है आप वीडियो देख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोन जो है ना, इसमें स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं कैमरा के हिसाब से भी। और सबसे पहले बात करें यहाँ पर मेन सेंसर, तो 48 मेगापिक्सल का सेकंड जनरेशन जो है आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है। सेकंड लेंस जो है आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। और थर्ड लेंस जो है आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और जो लास्ट लेंस है फोर्थ लेंस, वो आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये चारों सेंसर का काउंटिंग यहीं पर ही हो जाता है। अब बात करते हैं हम कैमरा UI की, तो यार कैमरा UI आपको जैसे नॉर्मल MIUI में मिल जाता है वैसा ही कुछ है, बट कुछ कुछ चेंजेस है। अब सबसे पहले हम नॉर्मली बात करें तो आपको जैसे फोटो मोड में 1x मिल जाता है, 2x मिल जाता है, और अल्ट्रा वाइड का यूज़ करते हो आप 0.6x का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करें, आप जो है यहाँ पर ये देख सकते हो प्रो कलर, इसका यूज़ करते हुए आप जो है कलर्स को थोड़े से एनहांस कर सकते हो, जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको AI मोड मिल जाता है, जो कि हल्का सा आपको एनहांस करके देता है पिक्चर्स वगैरह डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और जो भी सीनेरी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ अलग फ़िल्टर्स, जिसका यूज़ करते हो अपने वीडियोस में जो है, मतलब फोटोज़ में जो है बेसिकली फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। फ्लैशलाइट का एज ऑलवेज ऑप्शन तो मिल ही जाता है, HDR ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स में देख सकते हो आपको कुछ और डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कैमरा फ्रेम आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको फुल चाहिए तो फुल रख सकते हो, 1:1 रख सकते हो यानी स्क्वायर, या फिर 3:4 रख सकते हो, या फिर जो है 19 या फिर 16:9 भी रख सकते हो, जो कि ये जो एक्सपेक्ट देखने को मिल जाती है। टाइमर वगैरह लगा सकते हो, मतलब स्टॉपवॉच जैसा लगा सकते हो, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। टिल्ट शिफ्ट जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा बाजू में जो है एक विजन नेट है जो आप बोलते हो ना, कि बाजू में बॉर्डर एक लेयर बन जाता है, वैसा कुछ इसमें देखने को मिल जाती है। रेड लाइंस जो है आपको देखने को मिल जाता है। अब ये बहुत लोगों का हेल्प करेगा, बहुत लोगों को मे भी इतना फ़र्क नहीं पड़े। अब बेसिकली फ़ोटोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प इसलिए होगा क्योंकि एक स्ट्रेट जो लेंथ होता है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेस होता है, उसमें प्लेस करके फ़ोटो खींचना काफ़ी ज़्यादा ये मदद देती है। स्ट्रेटन में देख सकते हो, ये आपको बेसिकली बताएगा कि आपका जो एक्सिस है वो स्ट्रेट है या नहीं। ज़्यादा टिल्ड करोगे तो देख सकते हो ये टिल्ड से बाहर निकल जा रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टली जब खींचोगे इतना कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, वर्टिकली में बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा और बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा हेल्प देता है। मैक्रो देख सकते हो, मैक्रो आपको मोड यहाँ से मिल जाता है, बेसिकली आप जो है बहुत हद तक मैक्रो इसमें ले सकते हो अच्छा खासा। इसके अलावा यहाँ पर गूगल लेंस का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ सर्च वगैरह करना हो तो इससे डायरेक्टली कर सकते हो। और ये डॉक्स वाला फीचर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैं ट्राई करूँगा किसी और वीडियोज़ में समझाने की। बेसिकली ये भी कुछ स्कैनर टाइप का ही है, जिसको मैं अगले वीडियो में कभी समझाने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं वीडियो मोड में, तो वीडियो मोड में थोड़े बहुत ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल फिल्टर वाला ऑप्शन, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें टाइम लैप्स है, मूवी फ्रेम है। मूवी फ्रेम का यूज़ करते हुए आपको जो है ब्लैक बॉर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। अब वीडियोस जो आप शूट करोगे वो थोड़ा सिनेमैटिक लगने शुरू हो जाएगा। मैक्रो मोड में वीडियोस ले सकते हो बेसिकली, जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का एक्चुअली में निकल के आता है। स्ट्रेटन आपको देखने को इसमें भी मिल जाता है, ग्रिड लाइंस का भी देखने को ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 1080p 60fps, 4K 30fps, 720p एंड 1080p 30fps में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ कुछ सेटिंग्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर वीडियो में भी जो है आप वाइड एंगल का यूज़ करते हुए ले सकते हो और 2x का यूज़ करते हुए ले सकते हो। अब 2x का कोई डेडिकेटेड लेंस नहीं है, ये बेसिकली जो आप नॉर्मल वीडियो लेते हो मेन सेंसर से, उसी को जो है डिजिटली जूम करके पिक्चर आपको प्रोवाइड करती है। शॉर्ट वीडियोस ले सकते हो, अगर आप टिकटॉक वीडियोस वगैरह मतलब बनाते हो या नहीं भी बनाते हो, स्नैपचैट वगैरह में कुछ कुछ पोस्ट डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो कैलाइडोस्कोप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी जो भी आप यहाँ पर मतलब सिलेक्ट करोगे उसमें अच्छे अच्छे आपको वीडियो में देखने को डिफरेंट लुक मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा जो है आप वीडियो को स्लो कर सकते हो, सुपर फास्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। फ़िल्टर का ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा म्यूज़िक सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूज़िक भी मतलब बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप मतलब इसमें से सिलेक्ट करके लगा सकते हो। अब यहाँ पर बात करें इसके सेटिंग्स, तो इसमें सिर्फ 720p 30fps पर ही लिमिटेड है और इससे आगे इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर स्लो मोशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ 720p पर ही ये रिकॉर्ड कर पाती है, इससे ऊपर नहीं होगा।
और जितने भी यहाँ पर फ्रेम्स देख रहे हो यहाँ पर सारे में से आप सिलेक्ट कर सकते हो 240 FPS, 120 FPS और जो 960 है वो एक्चुअली में जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है, मतलब वो 240 या 120 को जो है थोड़ा सा और AI का यूज़ करते हुए उसको और एनहेंस कर देता है और स्लो कर देता है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ 960 तक ये हो रहा है, बट एक्चुअली में वो ठीक ठाक से आपको क्वालिटी देने के लिए कैपेबल है। यहाँ पर बात करें आप जो है सेल्फी मोड में भी जो है स्लो मोशन ले सकते हो और ये लिमिटेड है अराउंड 120 FPS में, 720 में, जो कि आप यूज़ करते हो अभी जो है मतलब थोड़े बहुत अच्छे क्वालिटी के स्लो मोशन सेल्फी में निकाल सकते हो, जिसे आप स्लो फीस भी कहते हो, बट इतना कुछ यूज़फुल नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी एज़ फार एज़ आई नो वहाँ पर भी जो है आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड ही देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल मोड के बारे में बात करें जो कि अल्ट्रा HD बोले तो बहुत ज़्यादा डिटेल कैप्चर करने के लिए कैपेबल है, इसका यूज़ करते हुए आप थोड़े डिटेल इमेजेस निकाल सकते हो, देख सकते हो, अच्छे क्वालिटी के आ जाते हैं एक्चुअली में और काफ़ी मुझे पसंद भी आया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर टाइमर वगैरह ग्रिड लाइंस वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है यहाँ पर, आप जो यहाँ पर एपर्चर है ना उसे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा रखोगे उतना कम होता जाएगा। मूवी मोड भी यहाँ पर रख सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक भी प्रोवाइड कर देता है। AI मोड देखने को मिल जाता है जो कि काम आएगा बहुत हद तक, और यहाँ पर आपको ब्यूटीफाई का मोड भी देखने को मिल जाता है, इनकेस आपको अपने फेस में से या सामने वाले के फेस में से थोड़े बहुत स्किन के जो पार्ट्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नाइट मोड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी हद तक ठीक ठीक सा है, ऊपर जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हो। पेनोरमा मोड देखने को मिल जाता है, अब ये यूज़फुल हो सकता है वाइड से भी वाइड पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, और कुछ कुछ सैंपल्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा और ये काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी है, मतलब अगर आपको ज़्यादा वाइड व्यू चाहिए तो उसका बहुत हद तक यूज़ हो सकता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख सकते हो। प्रो मोड में अगर आ जाते हैं तो प्रो मोड में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नॉर्मली आपको यहाँ पर लेंस में से सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हालांकि आप अल्ट्रा वाइड में जो है मैनुअल फोकस यूज़ नहीं कर पाओगे, और इसमें जो जो ऑप्शन है आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड, ISO, एक्सपोजर, ये सब चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ जो आपको पसंद आएगी जो कि है फोकस पीकिंग का ऑप्शन, जो कि हर फोन में एक्चुअली में आजकल टाइम में देखने को मिल जाता है और काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ये फोकस एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, हार्श लाइट हो या फिर लो लाइट हो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें जो कि यहाँ पर एक्सपोजर वेरीफिकेशन, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मे बी यहाँ पर ब्लू लाइन्स आपको जो है देखने को मिल जाता है, और वहीं पर अगर ज़्यादा लाइट हो रहा है तो वहाँ पर आपको रेड लाइट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको भी एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पर जो ये स्पॉट मीटरिंग वगैरह है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए जो है आपको लैंडस्केप मोड में बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसे एक्सपीरियंस कर पाओगे बेसिकली। और इसमें बेसिकली होता ये है कि जो फ्रेम आप कैप्चर कर रहे हो ना उसमें जो एक्सपोजर लेवल होता है वो अच्छे से ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे आप सिलेक्ट करें उस हिसाब से ये सिलेक्ट करता है। यहाँ पर आपको कुछ कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रॉ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी रॉ का यूज़ करते हुए जो है आप एक ओरिजिनल पिक्चर ले सकते हो जिसमें जो डिटेल्स होंगे वो ज़्यादा एडवांस्ड होंगे और उसको आप मैनुअली जो है मैनुपुलेट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात करें जो कि है यहाँ पर वीडियो मोड में जो है मैनुअल मोड। अब वीडियो मोड में मैनुअल मोड एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि आपको पहले से सेट करना पड़ेगा फिर ही आप जो है रिकॉर्ड मोड में दबा के जो यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप रिकॉर्ड मोड दबा देते हो तो बाद में आप इसको कुछ भी सेटिंग जो है चेंज नहीं कर सकते, जो कि एक तरीके से मुझे लिमिटेशन सा लगा जबकि इसमें होना चाहिए था। यहाँ पर बात करें आपको वही स्पॉट मीटरिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको फोकस पीकिंग देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं, ये अप टू 1080p और 4K 30fps तक जो है चली जाती है, और यहाँ पर स्ट्रेटन और हिस्टोग्राम भी देखने को मिल जाता है, हिस्टोग्राम आपको एक्सपोजर बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब जिनको नहीं मालूम लॉग मोड क्या है तो एग्जैक्टली जो है मैं आपको समझा दूँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी के लिए मैं इतना सिंपल सा आपको समझा दूँ, एक तरीके से ये वीडियो मोड में जो है रॉ मोड है, इसका यूज़ करते हुए जो है आप अच्छे क्वालिटी में 4K 30fps ही लिमिटेड है वहाँ तक आप जो है अच्छे क्वालिटी इसके जो है बेसिकली आप वीडियो ले सकते हो, और उसके बाद जो है वहाँ पर आप कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो वहाँ तक ही आपको जो है समझा पाऊँगा मैं। तो उम्मीद करता हुए जो ये वीडियो थी ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपको। और एक और चीज़ यहाँ पर डिफरेंट मिल जाती है जो कि यहाँ पर फोकस स्लाइडर काफ़ी यूनिक सा है, क्योंकि आप इसको जिस स्पीड से इसे हिलाओगे उतने स्पीड से जो है ये जूम करेगा। अगर मैं इसको पीछे ले लेता हूँ अभी के लिए फिर बहुत फास्ट करता हूँ तो देख सकते हो बहुत फास्ट ही ये जूम हो जाती है।
तो काफ़ी डिफरेंट सा और काफ़ी अच्छा और यूनिक सा आपको देखने को मिल जाता है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।